फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किरू। आज हम कॉरपोरेट गवर्नेंस की कंसेप्ट समझेंगे, मतलब हम इसका मीनिंग समझेंगे कि क्या है ये, और ये समझेंगे कि अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जो पर्सन्स हैं, उन्होंने इसकी क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं। ठीक है, तो देखो, कॉरपोरेट से आप क्या समझते हो? कंपनी। ठीक है, और गवर्नेंस करना मतलब उसको एडमिनिस्टर करना, जो भी कंपनी के फंक्शंस वगैरह उनको मैनेज करना। तो आज के टाइम में जो बिजनेस है ना, वो बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है। ठीक है, तो कहता है कि ये किससे रिलेटेड होता है? इससे क्या होता है कि भाई जो कॉरपोरेट है, कंपनीज वगैरह क्रिएट होती हैं, और वो ना क्या बना लेती है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बना लेती है। कहता है कि जो कंपनीज वगैरह होती है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन बना लेती हैं, जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो अलग अलग होते हैं। देखो, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटी कंपनी, उसमें इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती मैनेजमेंट वगैरह करने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का लेवल बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, तो वहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। ओनरशिप लाइक ऐसे जो शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, वो इसके ओनर रहते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते इसके काम में। उनको कौन मैनेज करते हैं? इसके डायरेक्टर्स, जो मैनेजमेंट होती है। ठीक है, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना, प्रोटेक्ट करना। और ये कैसे हो सकता है? एक अच्छी गवर्नेंस के थ्रू। ठीक है, इसीलिए जो मॉडर्न सिनेरियो है ना, उसमें जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही हैं, वो ना मतलब एक ऐसा सिस्टम लेके आ रही हैं जिससे जो भी शेयर होल्डर वगैरह है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? कहता है कि सिर्फ शेयर होल्डर ही नहीं होते, बल्कि उसके अलावा और भी पर्सन होते, लाइक एम्प्लॉयज हैं, क्रेडिटर हैं, लोकल कम्युनिटी वगैरह हैं, इनको भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक, आज के टाइम में ना शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और शेयर होल्डर के साथ साथ जो भी अदर स्टेक होल्डर है वो भी, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। ठीक है, ये है ना किसी भी कॉरपोरेट गवर्नेंस का मेन हिस्सा, एसेंस माना जाता है। एसेंस मतलब सार, कंप्लीट, ज़रूरी चीज़ होती है। इसमें वो सारी पॉलिसीज आ जाती हैं, प्रोसीजर्स आ जाते हैं जो एक कंपनी बनाती है, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव वगैरह को अचीव करने के लिए। तो वो ऐसी होनी चाहिए जिससे शेयर होल्डर का इंटरेस्ट वगैरह भी प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, जो भी शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं, ऑडिटर हैं, मैनेजमेंट वगैरह हैं, वो ना उन पर चेक्स वगैरह और उनके अंतर्गत एक बैलेंस वगैरह इस्टेब्लिश करें। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें जो शेयर होल्डर होते हैं, चाहे एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, उनके जो भी इंटरेस्ट वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्ट वगैरह किया जाता है। जो कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कंपनी है ना कंट्रोल करके चलती है, एडमिनिस्टर करके चलती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कोई कॉरपोरेट गवर्नेंस कहाँ से है, तो देखो, इसका ओरिजिन हुआ था, जो फादर है ना कॉरपोरेट गवर्नेंस की, उन्हें बोल जाता है बॉब ट्रिकर को। इसका आइडिया दिया गया था ब्राउनी एंड मींस के द्वारा, और इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की गई थी, मॉडर्न कॉरपोरेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी इन 1932। ठीक है, यहाँ से आइडिया वगैरह आया था। देखो, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है ना, वो क्यों आया था? क्योंकि पता है पहले क्या हुआ था, जैसे जैसे लोग भाई कर रहे थे तो स्कैम वगैरह, शेयर होल्डर के साथ धोखाधड़ी वगैरह ये सब हो रहे थे, मतलब फेलर वगैरह बहुत ज़्यादा सामने आई थी। पहली फेलर तो साउथ सी बबल में आई थी 1700 ईस्वी में। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है कि जो इश्यू है ना कॉरपोरेट गवर्नेंस का, मेन पॉइंट है कॉरपोरेट कल्चर की, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन की। जो गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो हेल्प करती है कंपनीज की इफेक्टिवली कंप्लीट करने में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं। और ये ज़रूरी क्यों हो गया है? क्योंकि जो पब्लिक की मनी है वो ये देखना कि वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो रही है या नहीं, क्योंकि आज के टाइम में जो फ्रॉड वगैरह है ना शेयर होल्डर के साथ, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मिसकंडक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन सभी स्कैंडल्स वगैरह को रोकने के लिए ही कॉरपोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, जैसे मीनिंग में दे रखा है, जो हमारा गवर्नेंस वर्ड है वो कहाँ से आया है? वो आया है गुबर्नियर से। इसका मतलब होता है टू शेयर, मतलब ऑपरेट करना अच्छे से। ठीक है, ये जो सीयर वर है ये वैसे शिप्स के ऑपरेशन के लिए होता है, लेकिन हमें तो सिर्फ कॉरपोरेट गवर्नेंस का मीनिंग समझना है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस कम्बिनेशन है दो वर्ड से, कॉरपोरेट और गवर्नेंस। कॉरपोरेशन तो वही कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई या कोई भी कंपनी हो गई, और गवर्नेंस मतलब मैनेजमेंट वगैरह हो गई। ठीक है, तो इसमें वही होती है जो इंडिविजुअल वगैरह होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। गवर्नेंस रेफर करते हैं मेथड, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, नैरो सेंस में और ब्रॉडर सेंस में इसको डिवाइड किया गया है। नैरो सेंस में जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसमें आते हैं रिलेशनशिप अमंग द कंपनी की मैनेजमेंट के बीच में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर और जो भी अदर स्टेक होल्डर होते हैं उनके बीच में। ठीक है, जिसमें जो भी रूल्स हैं, इंसेंटिव वगैरह हैं, वो सब कुछ इंक्लूड होते हैं, जिससे जो भी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के वो सेट किए जाते हैं और उनको अचीव करने के लिए मतलब मीन्स वगैरह लगाए जाते हैं, मॉनिटर किया जाता है परफॉर्मेंस वगैरह को।
तो मतलब जो नैरो सेंस है उसमें कहता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयज, क्रिएटर, सप्लायर, लोकल कम्युनिटी वगैरह जो भी उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ब्रॉडर सेंस में कहता है कि गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस है ना, उसका जो एक्सटेंट है वो ना बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। एक ऑनेस्ट मैनर में काम करना, जो भी मतलब पार्टी है जिनका भी इंटरेस्ट है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और जो भी मतलब रिसोर्सेज वगैरह उनको अच्छे से एलोकेट करना, ठीक है, इन सब पे भी ध्यान आ जाता है। तो अगर डेफिनेशन देखिए कि अलग अलग लोगों ने क्या डेफिनेशन दिया, देखो कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है लॉज का, रूल्स का, फैक्टर का, जो कंट्रोल करते हैं ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के काम वगैरह को कंट्रोल करते हैं। या कॉरपोरेट गवर्नेंस रिलेशनशिप होती है कॉरपोरेट मैनेजर्स के बीच में, डायरेक्टर्स के बीच में, जो क्या प्रोवाइड करते हैं इक्विटी पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच में, कि भाई उनके जो भी जैसे लोग हैं इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा डिविडेंड मिले, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, कंपनी है उसकी मैनेजमेंट अच्छी, उसकी ऑब्जेक्टिव वगैरह मतलब सही अच्छी हो, मतलब जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर अच्छा रिटर्न वगैरह मिले, ठीक है, कि वो अकाउंटेबल हो जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह उनकी तरफ। या कॉरपोरेट गवर्नेंस एक अप्लीकेशन है बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, मतलब कि भाई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें कि जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्ट हो, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग दिए हैं। तो अगर हम ओवरव्यू समझें, यहाँ तक हमने इतना देखा हमारी बुक से, तो नॉर्मल सी बात यही है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऐसी प्रैक्टिस होती है कंपनीज वगैरह के द्वारा जिससे वो जो भी हमारे शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं ना उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चलती है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के चलती है, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको अच्छे से फॉलो करती है, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करती है जिससे ये खुद के ऑब्जेक्टिव अचीव करे, और जो शेयर होल्डर वगैरह है मतलब जो भी पार्टीज हैं जिनका भी इंटरेस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट वगैरह करती है, ठीक है। कोई भी जो कॉरपोरेट मतलब गवर्नेंस है वो अच्छी तभी कहलाती है जब जो भी पार्टीज वगैरह इन्वॉल्व है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक है। तो यही सब इसके मीनिंग में बताया गया है। इससे आगे आने वाले पार्ट में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।